तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। आ मिले हो यूं ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते काफ़ी बिजी रही इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अंकल कैसे हैं? अब बेहतर है माशाल्लाह, एक दो दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके लिए। ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड है, 20 तारीख को मेरी शादी है, आपने ज़रूर आना है इंशाल्लाह। अंकल भी इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएंगे। आमीन। चलें जी, चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये डॉक्टर फिजा थे? चली क्यों गई? बिजी थी, मुझसे मिलने के लिए आई थी। ये कार्ड किस बात का? ये डॉक्टर फिजा की शादी का कार्ड है, 20 तारीख को शादी है, अगर तुम रुको तो मेरे साथ चलो। मुझे एटीन्थ को वापस जाना है। मैं अंकल विशाल को देख रही हूँ। रजिया, बाबूजी कहाँ हैं? अब्बा जी कारखाने गए। मेरी वजह से मेरे बूढ़े बाप को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है इस उम्र में। अब्बा जी, दादा जान फिर से जवान हो गए। ये ले सर, आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट। अरे करीस फातिमा, तुम चली जाओगी तो भाई ये सब चीजें कौन बना के देगा? अंकल, मैंने अम्मी और सुरैया को ये रेसिपी बता दी है और ये बहुत आसान है बनाना। ये दोनों बना लेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा घर आ गया। अरे बाबूजी, अब बच्चा कहाँ रहा, मैं अब तो एक बीमार बुजुर्ग बन चुका हूँ। बाबूजी, बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही। बेटे, सच तो यह है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं बच्चे बुजुर्ग नहीं होते, बच्चे ही रहते हैं। मुझे एक अच्छी बात कनीज फातिमा ने सिखाई है कि बुजुर्गों का काम सिर्फ घर में बैठकर पोते पोतियों नवासे नवासियों के रिश्ते कराना नहीं है और न ही घर के मामलात पर नुक्ताचीनी करना है। उन्हें तो चाहिए कि अपनी तवानाई को किसी मुस्बत काम में इस्तेमाल करें। आज इतने दिनों के बाद जब मैं दुकान और वर्कशॉप गया तो कारीगरों से बात करके उन्हें समझा कर बहुत अच्छा लगा। और मुझे हैरत तो इस बात की हुई कि हमारे इकबाल को इस काम की बड़ी अच्छी सूझबूझ है। अब तुम फिक्र न करो, अब तुम्हारा बोझ बांटने के लिए तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन हर वक्त तुम्हारी मदद को साथ होंगे। बस बस बाबूजी, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे सरों पर कायम दायम रखे और इकबाल को भी अल्लाह पाक दुनिया की खुशियां दिखाए। Thank you.
दाऊद जी अम्मी, ये कनीज फातिमा वाकई चले जाना चाहती है? जी वो वाकई वापस आना चाहती। तुम उसे रोकते क्यों नहीं? क्योंकि एक बार मैंने उसे कहा था कि वापस चली जाए। मगर क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहां रह नहीं पाएगी। वो खुद को जितना भी यहां के माहौल में ढालने की कोशिश कर ले, वहां तक पहुंच नहीं सकती जहां तक मैं उसे देखना चाहता हूं। और मैं खुद को और उससे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसलिए मुझे ये बेहतर लगा कि हम दोनों अलग हो जाए। बहुत गलत अंदाजा लगाया तुमने, वो तो खुद को बदल रही थी। उसने आपको अम्मी कहना शुरू कर दिया तो आपको लगा कि वो बदल गई है। आप बहुत मासूम है। तुम बहुत बेवकूफ हो, उसे समझ ही नहीं पाए। सच कहूं ना तो उसका मुझे मेरा नाम लेकर बुलाना जो है ना, उसमें भी मुझे बड़ी अपनाइयत महसूस होती थी। बात सिर्फ मुझे अम्मी कहने की नहीं है, मैंने उसमें बदलाव महसूस किया है। वो कोशिश कर रही थी, खुद से लड़ रही थी अपने लिबास की दुरुस्तगी के लिए, अपनी नमाजों की बेहतरी के लिए। बाकी तो वो जैसी भी थी, मगर हम सबसे बहुत अच्छी, बहुत नेक, छोटी और मुनाफिक नहीं थी, धोखेबाज और साजिशी भी नहीं थी। अरे वो तो हम सबसे कहीं ज्यादा अच्छी मुसलमान थी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम्हारी मोहब्बत उससे बदल रही थी। बनाओ उसको, रोको, मत जाने दो बेटा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ना जाओ तो? अरे तुम कल बशारत की वजह से रुकी हुई थे। और मेरी खातिर रुक जाओ, तुम्हारी वजह से तो जाना चाहती हूँ। तुमने तो कहा था जाने के लिए। अब वैसे भी तुम्हारे साथ डॉक्टर ऐसा जैसी लड़की सूट करती है। मेरे और डॉक्टर फिजा के बीच में ऐसा कुछ नहीं। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे और जॉर्ज के बीच में भी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छी बात है कि आपको इस बात का एहसास हो गया। मुझे भी एक बात का एहसास हो गया, हम लोगों के बीच में कुछ नहीं रहा। ऐसे मत कहो, अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो आईने के सामने स्कार्फ ना पहन रही होती।
यही तो मसला है मेरा। एक इंसान की मोहब्बत की खातिर वो खुद को क्यों बदलू? क्या इंसान की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि मैं उसके रास्ते पर चल करूं? और अगर कल को वो अपना रास्ता बदल दे तो क्या फायदा ऐसे इंसान के साथ चलने का? तुम्हें कहते थे ना डेविड, तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में और बहुत से माहौल बते हैं जो मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। आज मैं तुम्हारी खातिर रुक जाऊंगी तो कल को उनकी खातिर मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। ऐसा ही है, इसलिए मुझे किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ना। तुम ठीक कहते थे, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। ना मैं रुकूंगी ना तुम मुझे रोकोगे। शादी खत्म हो जाए इसका तजुर्बा करना भी तो जरूरी था। अंकल बशारत की तबीयत ठीक हो जाए और हालात बेहतर हो जाए तो तुम मुझे डिवोर्स भेजते हैं। दूर हम दो कदम थे कहीं दो कदम पे भी तुम भी नहीं अब वहां मैं भी नहीं पर सब पड़ा है। वही का वही जी डैड, रात 2 बजे की फ्लाइट है, मैं 11 बजे निकल जाऊंगी। तुमने दाऊद को बता दिया? जी, सबसे बात हो गई है, सबको बता दिया कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। डैड। ओके बेटा। आपकी बेटी आपके पास आ रही है और आप उदास हो रहे हैं। अच्छा सुने, आप मुझे नहीं एयरपोर्ट में बताइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। और अभी मुझे पैकिंग करनी है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ एयरपोर्ट पहुंच के। बाय बेटा, सेफ ट्रैवल्स। बाय। जनाब दाऊद बिशारत वल बिशारत अली, आपका निकाह बाइवल हक़ महर 50,000 रुपये सिक्के राज़ी वक्त कनीज फातिमा बिनत नवीद अली के साथ किया जा रहा है, आपका कबूल है? जी मुझे एक बार फिर से सोच लो, अगर मना करना चाहते तो कर, मुझे कोई इशू नहीं। जी मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। Thank you.
पास रहे। आप किधर हैं? मैं हॉस्पिटल में। कमाल करते हैं आप भाई, किम भाभी वापस अमेरिका जा रही है। आप उनको रोक नहीं सकते तो कम से कम एयरपोर्ट ही छोड़ने आ जाए। वैसे अगर आप अपनी मोहब्बत को आजमाने के बजाय किम भाभी की मोहब्बत को अपना लेना तो शायद वो रुक जाए। वो नहीं रुके। लेकिन आप कोशिश तो करके देखे। आप तो हिम्मत हार कर क्लिनिक में बैठे हुए। हार मान ली दाऊद भाई। क्या करूं? मैंने भाई को फोन कर दिया है, आ रहे हैं। सिर्फ़ और एक बार मुझे ड्रॉप कर देंगे एयरपोर्ट। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। इस घर में गुजारा एक एक लम्हा मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। मैंने आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखा है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े दिल के मेहमान नवाज हैं। मैं बहुत लकी हूं कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बनी। और अम्मी, आपकी डांट और आपके खानों को बहुत मिस करूंगी। एक बार आपको मां कह दिया, कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरी अम्मी रहेंगी। दादा जान और अंकल बिशारत, मैंने आप दोनों को बहुत तंग किया है। उसके लिए आप सॉरी। अंकल बिशारत, आपने अपना ख्याल रखना। नो स्पाइसी फूड, ये डाइट का बहुत ख्याल रखना। दादा जान, आपने भी ख्याल रखना। आप इस फैमिली की जान है ना। सुरैया, हमें सबका ख्याल रखना। दाऊद को तो आ जाने दो। मुझे उसका इंतजार नहीं है। नवीद से बात हो गई थी तुम्हारी? हो गया।
बहुत मुश्किल फैसला किया है तुम। खुद को बहुत से मुश्किल फैसलों से बचाया। खैर, तुम्हारा ना तुम्हारे लिए, दाऊद के लिए, किसी और के लिए फायदेमंद हो ना हो, लेकिन हमारे लिए तुम एक फरिश्ता बनकर आई। अगर तुम ना आती, मैं और दिलशाद साहब कभी भी एक ना हो सकते। आपसे मुझे एक काम है, प्लीज मना मत कीजिएगा। ये कुछ डॉलर्स हैं जो डैड अंकल बशारत को मेरे लिए देकर गए थे। मैं जानती हूँ कि ना मुझसे इस घर में कोई लेगा ये पैसे और ना ही मुझसे डैड वापस लेंगे। अभी अंकल बशारत को इन पैसों की ज़रूरत है। आप तो प्लीज़ ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। तुम फिक्र ना करो, हम मैनेज कर लेंगे। मैं उधार दे रही हूँ जल्दी, जब वापस देने की सिचुएशन में होंगे तो वापस कर देना। अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की। और वैसे भी जुल्फी, हम दोनों दोस्त हैं ना, तो ना मत करना। हाँ फातमा चली गई वापस। फिर मुझे एहसास हुआ किसी का जाना हमें इसके कितना करीब कर देता है, घर से, शहर से, इस मुल्क और यहां से बाहर। पर ताल्लुक ना होने के बराबर रह गया। लेकिन जो ताल्लुक कनीस फातमा के साथ बना था वो कभी खत्म ना हुआ, ना कमजोर हुआ। इस एक साल में बहुत कुछ बदला, वही कुछ बदला जो कनीस फातमा बदल कर गई है। तानिहाल का जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। सुरिया ने एमए में दाखिला ले लिया। अब और इकबाल पप्पू कारोबार पार्टनर्स बन चुके हैं। दादा भी कभी कभी चक्कर लगाते हैं कारखाने में। और हाँ, जुल्फी अंकल की शायरी की किताब भी छप गई है। बहुत खुश थे वो। वो कहते हैं शायर महबूबा के लिए शायरी करता है, मेरी शायरी में चार चांद मेरी बीवी ने लगाए। शादी के बाद शायरी में वजन और पुख्तगी दोनों आ गए। हुस्न और हामिद, हुस्न सीएसएस की तैयारी कर रही है। पप्पा ने खानदान से बाहर, जात बराबरी से बाहर इसका रिश्ता कर दिया है। पप्पू कहती हैं ऐसा करने की हिम्मत इन्हें हमारे घर से मिली है। पर मैं सोचता हूँ कि ऐसा सिर्फ कनीस फातमा की वजह से हुआ। और हाँ, अपने बारे में बताना तो मैं भूल ही गया। कनीस फातमा के जाने के बाद मैंने डॉक्टर शुजा की ऑफर को कबूल कर लिया और गांव चला गया। एक साल सिर्फ और सिर्फ इन मुफलिस लोगों के लिए वक्फ कर दी मैंने। और अब छुट्टी लेकर घर आया हूँ तो ये पैकिंग, ये पासपोर्ट कनीस फातमा से मिलने जा रहा हूँ अमेरिका। और उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि इससे अलग होना मुश्किल ही नहीं, जानलेवा था मेरे लिए। ये तो पता ही नहीं था कनीस फातमा की मोहब्बत मेरे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बन गई है। हर पल हर लम्हा उसे याद किया। हो गए, पता नहीं क्यों
बहुत पागल हूँ। तुमसे मोहब्बत है। आज पहली बार तुम मुझसे बात करने से शर्माए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। और सबसे बढ़कर यही सही पर मोहब्बत तो होने लगी तुम्हें मुझसे। ताया जी, नंदीर, अरे मैं फोन में इतना ऐसे बस आपकी याद आ रही थी तो मैंने कहा चलाऊं। जी देखो खुश रहो, आप ठीक है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। बिशारत वजियान, इधर आ देखो कौन आया। जी बाबूजी। अरे बिशारत, बहुत अच्छा किया तुम आ गए भाई। अब अच्छा किया, काफी दिन भी तो हो गए। आप कनीज फातिमा को साथ नहीं लेकर आए? कनीज फातिमा? हाँ, पूरा एक साल हो गया उसे गए हुए। क्या हमारी याद नहीं आती उसे? भाभी, मैं आपकी बहू को लेके आया है। कनीज फातिमा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। करूं मैं शिकवा या कहूं मैं शुक्रिया, हंसी नमी बन गई, अश्क फिर मुस्कुरा दिया। सांस लेना भी सजा, धड़के दिल बेवजह, जीना इतना भी आसान तो न था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं जिसे ढूंढने जाने वाला था वो इसी इनाम की तरह बगैर किसी मुशक्कत के मुझे मिली। कहां से फिर खुदा? नीचे तुम्हारे कमरे में सूटकेसेस पड़े थे, तुम कहीं जा रहे हो दाऊद? या फिर यूं ही आ मिले? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे दाऊद? आ मिले हो यूं ही, या फिर यूं ही। अपने नाम का मजा तो लेने दो। मैं तुमसे मिलने अमेरिका आने वाला था, आज रात को मेरी फ्लाइट थी। एक साल लगा दिया मुझसे मिलने के लिए। तुमने भी तो एक साल लगा दिया वापस आने में। मेरा सफर इतना आसान नहीं था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का नहीं था।
एक सोच से दूसरी सोच तक का और एक तहजीब से दूसरी तहजीब तक का सफर थोड़ा टाइम तो लग गया था। ये सब कुछ जाने के भी तो तुम भी नहीं अब वहां मैं भी नहीं। यहाँ रहके करती तो समझ ही ना पाते कि क्यों कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रही थी दावन, सब तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारी मोहब्बत में कर रही थी। लेकिन इंसान को राजी करना जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। असल मकसद तो ये है कि इंसान उसे राजी करे जिसे उसने बनाया। सबसे बड़ा सच्चा वासत था। यहाँ रह के करती तो समझ नहीं पाती। मैं इस साल सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं गई बल्कि वासत को भी स्टडी किया है। मेरा अंदर मेरा दिल उसको कन्विंस किया और अल्लाह की हदायत में ये सफर बहुत आसान कर दिया। वापस आने के लिए थैंक यू। थैंक यू तुम्हारा दाम मेरे सफर को आसान बनाने के लिए। मेरी सोच को जबर से नहीं बल्कि सब्र और अपनी मोहब्बत से बदलने का इंतजार किया। मुझ पर चीजों को इम्पोज नहीं किया बल्कि अपनी सोच से उन्हें एक्सप्लोर करने की इजाजत दी। सो थैंक यू। So thank you. तो और क्या कहूँ? I love you. Really? Thank you. Denise Fatma? Yes. Love you too, you're here।